राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में सरयू नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्रकृति के सुरम्य आंगन में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय की स्थापना 1872 ईस्वी में हुई। वर्तमान में उपलब्ध भवन का कुछ भाग 1931 में बना तो शेष 1994 में प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक ने शिक्षकों के साथ मिलकर भौतिक व अकादमिक रूप से विद्यालय को अग्रणी विद्यालय के रूप में रूपांतरित कर दिया है। विद्यालय भवन की दीवारों, दरवाजों एवं अन्य स्थानों पर बाला पैटर्न में सीखने की सहायक सामग्री चित्रित की गई है। विद्यालय में प्रवेश करते ही द्वार पर पहाड़ी पारंपरिक शैली में ऐपण कला का चित्रण किया गया है। विद्यालय का आकर्षक प्रवेश स्वतः ही मन को लुभाता है। प्रार्थना की घंटी बजते ही विद्यार्थी वाद्य यंत्रों के साथ सहभागी बनते हैं। Join your hands properly. Sit on your bench. Start. विद्यालय में संगीत, पुस्तकालय, कंप्यूटर एवं नाइट क्लास के संचालन हेतु पर्याप्त कक्ष उपलब्ध हैं। विगत कई वर्षों से राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट के शिक्षक एक विशेष नवाचारी पहल पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ कक्षा पांचवी के विद्यार्थियों हेतु विशेष कोचिंग कक्षाओं का आयोजन किया। तो आज का जो टॉपिक है वो है पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग। तो ये जो है आपके जवान होते हैं उसमें जो है रोल आता है। तो इसमें सबसे पहले कागज को फोल्ड करना होता है, उसके बाद जो है कागज को काट के फिर इसको खोलना होता है। खोलने के बाद कैसा दिखेगा आपको चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होता है उसमें टिक करना होता है। डेजर्ट क्या होता है ये कौन बताएगा? जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, एग्जाम्पल थार डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट और लद्दाख में होता है और थार डेजर्ट राजस्थान में होता है। इस वर्ष विद्यालय के 22 छात्रों ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। 31 की छात्र संख्या हुआ करती थी। उत्तराखंड शिक्षा विभाग का कोहिनूर गिरा, जिसे हम आदरणीय केडी शर्मा जी को कहते हैं, उनके आते ही 300 के आसपास इस विद्यालय में छात्र संख्या होगी। उस समय यहाँ की जो स्थितियाँ थी, एकदम से छात्र संख्या बढ़ी थी तो भौतिक संसाधन की काफ़ी कमी थी, मानवीय संसाधन काफ़ी कम थे। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, अभिभावक हैं और हमारे यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री केडी शर्मा जी, तो इन्होंने हम सब ने मिल करके इस विद्यालय को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास किया। विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था में अभिभावक, समुदाय एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। दिल्ली कहाँ पे है? ये स्टेट है या कैपिटल है? ये क्या है बेटा? यस, कैपिटल है, राजधानी है। और कैपिटल किसकी है? ये उत्तराखंड की, भारत की।
शिक्षण की प्रक्रिया में समुदाय के सक्रिय सहयोग के कारण राजकीय आदर्श विद्यालय कपकोट निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। समझी का मतलब होता है कि अभिभावक, अभिभावक पिता का समान होता है। जैसे पिता अपने बच्ची की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इस हिसाब से एसएमसी के सहयोग से आज हमारा आदर्श प्राथमिक विद्यालय एक उच्च मुकाम पर पहुंचा है। और वर्ष 2016 से अगर देखा जाए तो लगातार बच्चों ने क्वालिटी एजुकेशन के परिणाम अच्छे दिए हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के परिणाम के रूप में देखें, हिमज्योति विद्यालय के परिणाम हैं। अब तक 2224 बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में या फिर हिमज्योति में 18-19 गर्ल्स अध्ययनरत हैं, जो कि गरीब गर्ल्स होती हैं। और राजीव नवोदय या फिर जवाहर नवोदय विद्यालयों की बात करें तो उसमें शहरी क्षेत्र की जितनी सीटें होती हैं, विद्यालय 3-4 वेटिंग तक भी अपनी सीटों को लेते रह रहा होता है। एकलव्य आवासीय विद्यालय और भी अन्य विद्यालय होते हैं जिनमें विद्यालय के बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस की हैं। विभागीय जो प्रतियोगिताएँ की जाती हैं तो उसमें भी राज्य स्तर तक लगातार विद्यालय, चाहे वो मैथ्स रिजल्ट हो, स्पेल जीनियर्स के कंपटीशन हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो प्रोग्राम हो या फिर गेम्स के अन्य प्रोग्राम होते हैं, उन सब प्रोग्राम्स में बच्चों ने राज्य स्तर तक अपना अच्छा प्रदर्शन किया है।